आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से की बात, भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले का मुद्दा उठाया, कहा भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन। तमिल नववर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, तमिल लोग अपनी संस्कृति साथ लेकर चलते हैं, सबसे पुरानी इनकी भाषा पर सबको गर्व। विपक्षी एकता पर राहुल गांधी ने कहा, हम सब एकजुट। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर शरद पवार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात की। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली सुना है 2024 तक हमें फंड नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ तो आंचल फैलाकर माताओं से भीख मांग लूं। आदित्य ठाकरे बोले, जेल के डर से रोए थे शिंदे, संजय राउत का दावा, उनके दिल और दिमाग में नजर आ रहा था जेल का डर। प्रियंका गांधी का भाजपा परिवार, बोली बचपन से बस्तर के लोगों का संघर्ष सुना है, भाजपा ने आपको निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की नहीं होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस का समन, 27 अप्रैल को होना होगा पेश। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भड़की मऊआ मोइत्रा, बोली अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोक दो था। एनसीपी नेता हसन मुशरीफ को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। तेलंगाना कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हुए एलटी महेश्वर रेड्डी, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। स्कूल नौकरी घोटाले में अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से होगी पूछताछ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भाजपा ने म्यांमार के सभी पक्षों से हिंसा बंद करने का आह्वान किया, एमईए ने कहा सोरोस और यूएनडीईएफ अलग मुद्दे। ओडिशा में हनुमान जयंती की बाइक रैली में हिंसा, गाड़ियों पर पथराव और आगजनी हुई, इलाके में धारा 144 लागू, 40 लोग हिरासत में। कर्नाटक में भाजपा की लिस्ट के बाद इस्तीफे की झड़ी, पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक ने पार्टी छोड़ी, पूर्व मंत्री ने संन्यास लिया। यूपी में योगी राज के 6 साल में 183 खूंखार अपराधी ढेर, मिट्टी में मिले कई माफिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अंबेडकर जन्मदिवस और बैसाखी की बधाई। साल बाद मेयर सीट पर भाजपा का दावा, कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी को मेयर पद पर उतारने की तैयारी लगभग पूरी। व्यापारी नेता कादिर आप के महापौर प्रत्याशी प्रयागराज के व्यापारियों के दम पर आम आदमी पार्टी ने कादिर पर लगाया दांव।
सांसद हरनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, इससे उनके पेट में दर्द हो रहा। झोपड़ी में लगी आग, मासूम भाई बहन जिंदा जले, पिंपिंग सेट लगाकर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, वही गांव में छाया मातम। आतंकी वलीउल्लाह को उम्र कैद, 2006 के वाराणसी ब्लास्ट में पहुंचाया था 2.5 किलो विस्फोटक, गाजियाबाद कोर्ट सुना चुका है फांसी की सजा। शादी की जिद पर प्रेमिका को गला दबाकर मार डाला, पहचान नहीं हो इसलिए चेहरे पर बुरका रखकर चलाए। निकाय चुनाव की ड्यूटी में अनोखे प्रयोग, पोलिंग पार्टी में 4 की जगह होंगे 5 कर्मी, हर वार्ड में बनेगा एक पिंक बूथ। बरेली में फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट का हुआ खुलासा, 500 से ज्यादा छात्रों के डीएमएलटी, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम में एडमिशन किए, 2 अरेस्ट। सहारनपुर की जेल में पहुंचा कोरोना संक्रमण, 25 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 48 से 1 की हो चुकी मौत। जालौन डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, अव्यवस्था देखकर जताई नाराजगी, पीडी और प्रधान के अनुपस्थित मिलने पर मांगा स्पष्टीकरण। भाजपा से मेयर पद की 27 महिलाएं दावेदार, गाजियाबाद में इंटरव्यू में पूछा मेयर बनी तो क्या करोगी, कैसे आगे बढ़ाओगी। मथुरा में निकाय चुनाव में बंदरों का मुद्दा, स्थानीय लोग कर रहे समस्या से निजात दिलाने की मांग, शहर में 50,000 से ज्यादा बंदर। एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, बदहाल सड़क से परेशान युवक ने धरने पर बैठने की मांग की अनुमति। मुरादाबाद में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन बोले जहरीली शराब पीने से गई जान, अधिकारी जांच में जुटे। बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएंगी आशा वर्कर्स, स्कूल चलो अभियान को देंगी गति, 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर किया हमला, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर, डॉक्टर बोले फेफड़े तक पर किया है अटैक। रात में बाहर निकलने पर होगी सख्त, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब रात में भी लगेगी अटेंडेंस, प्रेरणा पोर्टल पर करना होगा अपलोड। ₹25 लाख के ड्रग्स के साथ 2 अरेस्ट, बरेली पुलिस ने हाईवे से पकड़ा, होटलों में सप्लाई की जाती थी ड्रग्स। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक में फंसे शव को स्थानीय लोगों ने निकाला, राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज में तैनात था। गोरखपुर में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव, जेल में 300 बंदियों की हुई जांच, अब तक 22 बंदी मिल चुके हैं संक्रमित। एसपी ने अति संवेदनशील पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण, पोलिंग बूथ के रास्ते को दुरुस्त करने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई का निर्देश। बदायूं में एक और पत्थरबाज पर रासू का, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर पथराव के बाद की गई थी फायरिंग। अम्बेडकर नगर में 6 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, हजारों लोग से करोड़ों रुपए ठगे, आईडीए नाम की नेटवर्किंग कंपनी बनाई थी।
कौशाम्बी में मॉर्निंग वॉक के समय पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराया था अटैक, महिला समेत तीन को 20 साल की कैद। अयोध्या में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 15, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कानपुर हिंसा में पहली बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर हाजी वसी की 33 करोड़ की संपत्ति जब्त, वसी और उसके गैंग ने क्राउड फंडिंग करके भड़काई थी हिंसा। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा आजमगढ़ प्रशासन, आदर्श आचार संहिता के पालन कराने के निर्देश, एफएसटी टीम को दिया गया प्रशिक्षण। मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में दो आरोपी दोषी करार, शराब के पैसे नहीं देने पर 2014 में गोली मारकर वेल्डर को मार डाला था। उत्तराखंड में पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित बैसाखी मेले का हुआ शुभारंभ, सीएम धामी ने किया बैसाखी मेले का शुभारंभ। सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र है। उत्तराखंड कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल के बीच सीएम से मिले किच्छा विधायक, तिलक राज बेहड़ भाजपा में जाने की चर्चा। उत्तराखंड में अचानक मकान में हुआ ब्लास्ट, किराए पर रह रहे बिहार के दो मजदूर घायल, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। उत्तराखंड में भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब, सीएम धामी करेंगे समीक्षा, कितनी घोषणाओं पर हुआ अमल। उत्तराखंड में बर्थडे पार्टी के बाद छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, एसओ और एसएसआई निलंबन। उत्तराखंड के छुमरा गांव से जा रही कार खाई में गिरी, 14 साल के बच्चे समेत दो की मौत, तीन घायल। उत्तराखंड में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया बाघ, वही बुरी हालत में बरामद हुआ शव। यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी के पास भूस्खलन, जेसीबी के ऊपर गिरे बोल्डर, वही चालक ने भागकर बचाई जान। उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, प्रेशर हॉर्न की बिक्री रोकने के निर्देश। कोरोना से बचाव को लेकर जारी हुई एसओपी, स्नान के लिए हरिद्वार आ रहे भक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उत्तराखंड में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की मांग को लेकर हर की पैड़ी कूच कर रहे सिखों को रोका, चौकसी बढ़ाई गई। उत्तराखंड में वैसाखी स्नान पर्व पर हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री, दबाव बढ़ने पर इस पार्किंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। उत्तराखंड में शादी की खरीदारी करने जा रहे परिवार की कार खाई में गिरी, दो की मौत, दो घायल, हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। इटली में लैब में बने मास्क के उपयोग पर बैन, नियम न मानने पर 43 लाख तक का जुर्माना, ऐसा करने वाला इटली बना पहला देश।
आयरलैंड में बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, सड़क पर मिले सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती के डॉक्यूमेंट्स, इनसे फोन नंबर और रूट भी लिखा था। ईरान ने 2022 में 582 लोगों को दी सजाए मौत, मानवाधिकार संगठन का दावा एक साल में 75% तक बड़ी मौत की सजा। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का मिशन आखिरी मिनट पर टला, मिशन जूस में मौसम बना परेशान, स्पेस एजेंसी द्वारा इस पर 13 करोड़ खर्च कर रही है। रूसी सेना में बड़ी भर्ती की तैयारी, युवाओं के देश छोड़ने पर लगेगी पाबंदी, सैनिक भर्ती से जुड़े नए कानून को संसद के निचले सदन में मंजूरी। दक्षिण कोरिया घूम रहे इजरायली पर्यटकों को पड़ा भारी बस के पलटने से एक महिला की मौत, वही 34 लोग घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फिर हुई पूछताछ, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के धोखाधड़ी के मुकदमे में बयान हुआ दर्ज। चीन के मुकाबले जापान की नई योजना, समान विचारधारा वाले देशों को सैन्य सहायता की करेगी पेशकश। भारत ने पाक को यूएन में लताड़ा, कहा आतंकियों को दे रहा हथियार, स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दिखाए सबूत। चीन ने की ताइवान की घेराबंदी, दी धमकी, यदि अमेरिका आड़े आया तो हमारे किलर मिसाइलें करेंगी हमला। आसूस आरओजी फोन 7 सीरीज भारत में लॉन्च, गेमिंग फोन को ठंडा रखने के लिए एयरो एक्टिव कूलर, 7 डिवाइस कीमत 74,000 रुपए से शुरू। एक महीने में 1.5 गुना बढ़ा पर्सनल लोन, दरें बढ़ी, फिर भी फरवरी में पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा। भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की डिमांड बढ़ी, एक साल में 50% एसयूवी कारें बिकी, वहीं एंट्री लेवल सेगमेंट की कारों की बिक्री घटी। एयर इंडिया का टैक्सी बोर्ड के लिए केएसयू के साथ एग्रीमेंट, 3 सालों में करीब 15,000 टन जेट वैल्यू की बचत होगी। इंफोसिस के चौथे तिमाही के नतीजे, नेट प्रॉफिट 7.8% बढ़ा, वही 17.50 का डिविडेंड देगी। गूगल में एक बार फिर हो सकती है छटनी, सीईओ सुंदर पिचाई ने दिया हिंट, जनवरी में 12,000 एम्प्लॉय को निकालने की अनाउंसमेंट की थी। उन्नीस अप्रैल को लॉन्च होगी एमजी की सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर चलेगी, कोमेट ईवी टाटा टियागो को देगी टक्कर। वीवो ग्रेटर नोएडा में करेगी 1100 करोड़ का निवेश, अगले साल तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश में अच्छी तस्वीर, निर्यात 6% बढ़ा, वही 457 अरब डॉलर हुआ आयात में 16.5% इजाफा। अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों की नहीं सेवी को जानकारी, आरटीआई के जवाब में हुआ खुलासा। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीता गुजरात, पंजाब को 1 गेंद बाकी रहते हराया, शुभमन गिल ने लगाई मैच विनिंग 50। आईपीएल के बीच सेल्फी विवाद में पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ी, सपना गिल की याचिका पर शॉ सहित 11 लोगों को नोटिस जारी।
मुश्किल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, धोनी को घुटने की चोट, सिसांडा मंगाला को 2 सप्ताह के लिए बाहर। स्लो ओवर रेट के चलते सैमसंग पर जुर्माना, एम्पायर के फैसले से नाखुश, अश्विन पर भी मैच फीस का 25% फाइन लगा। राजस्थान के खिलाफ ग्रीन जर्सी में खेलेगी बेंगलुरु टीम, पर्यावरण की जागरूकता के लिए साल 2011 से चला रही मुहिम। गुजरात टाइटंस की जीत से खुश नहीं हार्दिक पंड्या, टीम की बल्लेबाजी पर भी उठाए सवाल। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को उसके घर में हराया, शुभमन गिल ने जड़ा दशतक, वही तेवतिया ने लगाया विनिंग चौका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कगिसो रबाडा, लसित मलिंगा को भी पीछे छोड़ रचा इतिहास। पाकिस्तान को लेकर दिए बयान पर साइमन डून ने दी सफाई, बताया सारी खबरों को पूरी तरह गलत। न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को लगाई फटकार, बिना शर्त माफी मांगने को कहा। ओसाकी साकी पर नेपाली शख्स का शानदार डांस, तारीफ करने से नौरा भी खुद को नहीं रोक पाई, अब तक मिले 3 करोड़ व्यूज। सलमान खान ने कपिल शर्मा के साथ गाया गाना जीने के है 4 दिन पर, शहनाज गिल ने किया डांस, कॉमेडियन ने शेयर किया वीडियो। जियो स्टूडियो के इवेंट में ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे सितारे, बेटी के साथ पहुंचे आमिर खान, श्रद्धा कपूर से लेकर अनिल कपूर तक कई सेलेब्स आए नजर। सेट पर सबसे पहले पहुंचते थे रजनीकांत, अमोल पालेकर बोले बॉलीवुड की तुलना में साउथ इंडस्ट्री ज्यादा प्रोफेशनल। ब्लडी डैडी का टीजर रिलीज हुआ, पहली बार खतरनाक लुक में दिखे शाहिद कपूर, फैंस ने की सिनेमाघरों में रिलीज करने की अपील। जावेद अख्तर के बयान पर रिएक्ट करने से बचे अकरम, कहा भारत ने डोसे को करता हूं मिस, वही पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। सिंगर मनकीरत औला को खतरा, बाइक सवार युवकों ने 2 किलोमीटर गाड़ी का पीछा किया, गनमैन उतरा तो भागे, वही बम्पीहा गैंग दे चुका है धमकी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए मलाइका अर्जुन, वेकेशन के लिए हुए रवाना, फैंस बोले अब तो इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। बेटी सुहाना को लेकर भावुक हुए शाहरुख खान, वीडियो शेयर कर बांधे तारीफों के फूल, बोले मेबेलिन के लिए बधाई दे बेटा। रिया चक्रवर्ती ने शुरू की रोडीज 19 की शूटिंग, 3 साल बाद सेट पर वापस लौटकर इमोशनल हुई, बोली खुशी के आंसू बह रहे। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।